हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग अप पे। तो आपको पता है कि हम MJPRE रोयलखंड यूनिवर्सिटी का न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड ऑपरेशंस रिसर्च पेपर के सॉल्यूशंस को डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस टू क्लासेस में हमने 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, जिसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके ऑपरेशन रिसर्च के थे। ठीक है, आज भी हम ऑपरेशन रिसर्च के रिमेनिंग क्वेश्चंस को यहाँ पर बिल्कुल डिटेल में सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को यहाँ पर देखेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम न्यूमेरिकल एनालिसिस के जो क्वेश्चंस आए हैं उनको फिर देखेंगे। ठीक है, तो ये पेपर टू है MJPRE रोयलखंड यूनिवर्सिटी का। अगर आप लोगों के पास पेपर नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF का लिंक दे रखा, वहाँ पर जाकर के आप PDF डाउनलोड करके क्वेश्चंस को देख सकते हैं। अगर आप लोगों के पास पेपर है तो आप पेपर से देख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे स्क्रीन पे आपको क्वेश्चंस फ्लैश होंगे, वहाँ पर आप क्वेश्चंस को रीड आउट करके आंसर सुन के देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले टाइम पे नेक्स्ट पार्ट्स की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन पे मिलता रहे। ठीक है, साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हमारे सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको उसी व्हाट्सअप चैनल पे मिलता रहता है। ठीक है, तो उसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से जाकर के आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 78 से मैंने बताया था कि 78 से जो आगे के क्वेश्चंस हैं ऑपरेशन रिसर्च के हैं, तो पहले ऑपरेशन रिसर्च के क्वेश्चंस ही यहाँ पे आज इंटायरली कंप्लीट हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें, इफ वन और मोर बेसिक वेरिएबल इन बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन इज जीरो देन सॉल्यूशन इज कॉल्ड। ठीक है, हमारे पास अगर एक या एक से ज़्यादा कोई भी वेरिएबल है, बेसिक वेरिएबल अगर वो जीरो है, यानी कि एटलीस्ट वन बेसिक वेरिएबल इज जीरो, तब इस केस में जो सोल्यूशन होता है वो कैसा होता है, डीजनरेट सोल्यूशन होता है। कैसा होता है, डीजनरेसी अकर करती है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी बेसिक वेरिएबल जीरो नहीं है, यानी कि नॉट इक्वल टू जीरो, तब उस केस में नॉन डीजनरेट सोल्यूशन आता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया, एक या एक से ज़्यादा बेसिक वेरिएबल जीरो है, इसलिए इसका सोल्यूशन हो जाएगा डीजनरेट, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करें, द LPP a basic feasible solution is degenerate basic feasible solution if at least one of the, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, एक वेरिएबल कम से कम क्या होना चाहिए, एटलीस्ट वन बेसिक वेरिएबल इज जीरो। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 79 का। 80 की बात करें, द मैथड टू रिजॉल्व द डीजेनरेसी, तो डीजेनरेसी को सॉल्व करने के लिए, अब डीजेनरेट अगर सोल्यूशन आ गया तो डीजेनरेसी को पहले तो हटाना पड़ेगा, तभी हमारे पास ऑप्टिमल सोल्यूशन आएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे सिंप्लेक्स मेथड हो, चाहे हंगेरियन मेथड हो, चाहे आपका डुअल मेथड हो, डुअल सिंप्लेक्स मेथड हो, ठीक है, सारे केसेस में अगर डीजेनरेसी अकर कर रही है तो डीजेनरेसी को रिमूव करना होता है। उसके लिए हमारे पास एक मेथड है जिसका नाम है चैंस परटुबेशन मेथड। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको बाय चांस नहीं भी पता है तो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी चेक कर सकते हैं, जैसे ग्राफिकल मेथड तो होता नहीं उसमें डीजेनरेसी रिमूव, हंगेरियन मेथड तो असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज होता है, तो बचा गया ऑप्शन नंबर सी, तो वही करेक्ट होगा। ठीक है, बट आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें, इफ द स्टैंडर्ड प्राइमल प्रॉब्लम इज ऑफ मिनिमाइजेशन देन ऑल द कॉन्स्टेंट इन्वॉल्व द साइन। हमारे पास अगर कोई भी प्राइमल है, अगर मिनिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है मिनिमम जेड, तो उसमें जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनमें ग्रेटर देन इक्वल टू सारी इनइक्वालिटी होनी चाहिए, अगर ग्रेटर देन नहीं है तो उनको ग्रेटर देन इक्वल टू में पहले तो कन्वर्ट करेंगे, फिर उसका डुअल निकालेंगे, ये हमारे पास मेथड होता है। तो अगर मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो कॉन्स्टेंट में इनइक्वालिटी कैसे होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो लेस देन इक्वल टू। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करें, इफ द प्राइमल प्रॉब्लम ऑफ मैक्सिमाइजेशन देन इट्स डुअल प्रॉब्लम। अब आपको पता है डुअल में हमारे पास मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम अगर है प्राइमल में, तो डुअल क्या हो जाएगी, मिनिमाइजेशन की हो जाएगी। अगर प्राइमल मिनिमाइजेशन की है तो डुअल क्या हो जाएगी, मैक्सिमाइजेशन की, यानी कि रिवर्स ऑर्डर चलता है यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 में क्या पूछा गया है, इफ द प्राइमल प्रॉब्लम हैज अनबाउंडेड सोल्यूशन द डुअल हैज आइदर नो सोल्यूशन और, देखिए अगर प्राइमल सॉल्यूशन के पास जो प्राइमल प्रॉब्लम है अगर उसका अनबाउंडेड सॉल्यूशन आ रहा है तो इसकी डुअल का भी अनबाउंडेड सॉल्यूशन होगा या फिर नो सॉल्यूशन होगा, दो केसेस होंगे, आइदर नो सॉल्यूशन और अनबाउंडेड सॉल्यूशन, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 83 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 की बात करें, इफ प्राइमल हैज फाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन देन द वैल्यूज ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ द प्राइमल एंड डुअल आर। ठीक है, अगर हमारे पास फाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन अगर कर रहा है हमारे पास प्राइमल का, तो जो प्राइमल और डुअल है दोनों का जो सॉल्यूशन होता है बिल्कुल सेम आएगा। ऐसा नहीं है कि आप प्राइमल में मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है,
डुअल में मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट हुई तो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व की और मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व की, फाइनाइट आंसर आ रहा है तो डिफरेंट हो, ऐसा कभी भी नहीं होगा। प्राइमल और डुअल का फाइनाइट आंसर अगर आ रहा तो इक्वल होंगे हमेशा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करें, द डुअल ऑफ डुअल, हम अगर किसी भी प्राइमल का डुअल निकाले, फिर से उसका डुअल निकाल दे तो प्राइमल ही मिल जाता है। ये बिल्कुल उसी की तरह है, ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज नंबर मैट्रिक्स इटसेल्फ, ठीक है। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो, फिर से ट्रांसपोज कर दो तो ओरिजिनल मैट्रिक्स ही मिल जाती है। ऐसा यहाँ पे डुअल का डुअल क्या हो जाएगा, प्राइमल हो जाएगा, ठीक है। ये थ्योरम भी है। तो क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करें, इफ डुअल हैज अनबाउंडेड प्राइमल, अनबाउंडेड सोल्यूशन प्राइमल हैज, अच्छा डुअल के पास अगर अनबाउंडेड, अभी क्या पढ़ा था प्राइमल है, प्राइमल का अनबाउंडेड सोल्यूशन है, तो डुअल का या तो नो सोल्यूशन या अनबाउंडेड। अब पूछ दिया अगर डुअल का अनबाउंडेड सोल्यूशन है तो प्राइमल का क्या होगा, तो प्राइमल का सोल्यूशन भी हमारे पास अनबाउंडेड ही होगा, ठीक है, या फिर नो फिजिबल सोल्यूशन भी बोल सकते हैं। हालांकि यहाँ पे दोनों ऑप्शंस दे रखे हैं, तो मोस्ट करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे अनबाउंडेड सोल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करें, इफ एनी वेरिएबल ऑफ द प्राइमल इज अनरिस्ट्रिक्टेड इंसान, देखिए हमारे पास प्राइमल प्रॉब्लम होती है अगर कोई भी वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड है। अनरिस्ट्रिक्टेड का मतलब है कोई भी इनइक्वालिटी होल्ड नहीं कर रहा, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप से यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं दे रखी है वेरिएबल की, ठीक है। जो भी हम डिसीजन वेरिएबल्स लेते हैं x1 x2, जैसे नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन लगी होती है ना, फॉर ऑल xi ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सपोज दैट उनमें xi में केवल एक ऐसा x के ले लीजिए जहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो वही बोल रहे हैं द करस्पॉन्डिंग कॉन्स्टेंट ऑफ इट्स डुअल, तो डुअल का जो करस्पॉन्डिंग कॉन्स्टेंट होगा उसमें क्या होगा, तो उसमें इनइक्वालिटी की जगह क्या होगा, इक्वालिटी का साइन आ जाएगा, यानी कि इक्वालिटी साइन आएगा, स्ट्रिक्ट इक्वालिटी वहाँ पे होल्ड करेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 88, द एडवांटेज ऑफ डुअल सिंप्लेक्स एल्गोरिथम ओवर द अदर मेथड दैट हेयर वी डू नॉट रिक्वायर एनी, देखिए हमारे पास जो डुअल सिंप्लेक्स मेथड होता है, एक होता है जनरल सिंप्लेक्स मेथड, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो हमारे पास जो जनरल सिंप्लेक्स मेथड होता है वहाँ पे हमको आर्टिफिशियल वेरिएबल भी लेने पड़ जाते हैं, बट यहाँ पर डुअल सिंप्लेक्स मेथड में ऐसा कोई लोचा नहीं है, यानी कि आपको यहाँ पर आर्टिफिशियल वेरिएबल की जरूरत नहीं पड़ती, और यही हमारे पास सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ है, ठीक है। आर्टिफिशियल वेरिएबल लेते हैं तो यहाँ पर कैलकुलेशन लेंदी हो जाती है, तो क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन नंबर सी है, यही हमारे पास सबसे बड़ा एडवांटेज है डुअल सिंप्लेक्स मेथड का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करें, इफ द स्टैंडर्ड प्राइमरी प्रॉब्लम का मतलब है प्राइमल, ठीक है, इन्वॉल्व्स ग्रेटर देन इक्वल टू साइन इन ऑल कॉन्स्टेंट द डुअल इन्वॉल्व्स, देखिए अगर प्राइमल में अगर ग्रेटर देन इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो सिंपल सी बात है जो इसकी डुअल होगी डुअल में लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, अगर प्राइमल में लेस देन इक्वल टू है तो डुअल में इसके क्या हो जाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू है प्राइमल में, तो डुअल में क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू, यानी कि क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें, ड्यूअलिटी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन, अब देखिए ड्यूअलिटी एलपीपी में तो आप लोगों ने पढ़ ही रखा है, आसानी से जो भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे हैं, डिसीजन वेरिएबल्स ज़्यादा आ रहे हैं, इक्वेशंस कम है, तो उनको हम कन्वर्ट करके डुअल में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो डुअल से हमारा क्वेश्चन जो हो जाता है ईजी हो जाता है, ठीक है। फिजिक्स में भी ड्यूअलिटी का यूज़ होता है, फिजिक्स में कहाँ होता है, इन पैरेलल सर्किट एंड सीरीज सर्किट थ्योरी, जब आप पैरेलल और सीरीज सर्किट थ्योरी पढ़ते हैं आप लोग फिजिक्स वाले टीचर से पूछ सकते हैं, वहाँ पे ड्यूअलिटी का कंसेप्ट लगता है, ठीक है। फिर तीसरा ऑप्शन है गेम थ्योरी, तो गेम थ्योरी में भाई हमारे पास ड्यूअलिटी का कंसेप्ट लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात की जाए, ऑल ऑफ दीज आंसर्स आर करेक्ट, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, तो क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, By the addition of a new variable with non-zero cost. अब देखिए हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम है, उसमें जब हम सरप्लस वेरिएबल ऐड करते हैं, स्लैक वेरिएबल ऐड करते हैं, आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करते हैं, तो हमेशा याद रखिए उनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो लेते हैं, विद कॉस्ट जीरो लेकर के चलते हैं, सरप्लस और स्लैक वेरिएबल जो भी ऐड करते हैं। लेकिन हमारे पास अगर कोई नया वेरिएबल ऐड कर रहे हैं और उसकी कॉस्ट अगर आप जीरो नहीं ले रहे हैं, यानी कि नॉन जीरो कॉस्ट लेकर के चल रहे हैं, तो सिंपल है कि हमारा जो सोल्यूशन होगा ऑप्टिमल सोल्यूशन वो चेंज हो जाएगा। इसीलिए ऑप्टिमल सोल्यूशन ना चेंज हो इसलिए वेरिएबल की कॉस्ट हमेशा जीरो लेकर के चलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, नॉन जीरो कॉस्ट लेंगे तो ये मे बी चेंज, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्टिमल सोल्यूशन जो होगा उसका मे बी चेंज हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन नंबर बी, ये सेंसिटिविटी एनालिसिस का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करें, बाय द एडिशन ऑफ न्यू वेरिएबल विद द नॉन जीरो कॉस्ट ऑफ एलपीपी इट्स एग्जिस्टिंग ऑप्टिमल सोल्यूशन कैन फर्दर इंप्रूव,
अब इसका जो चेंजेस होंगे तो फर्दर सोल्यूशन इसका इम्प्रूव कैसे करेंगे। देखिए सिंपल है, हमारे पास अगर जीरो कॉस्ट लेकर के चलते हैं तो उस केस में जो डेल्टा जे की वैल्यू होती है वो क्या होती है, लेस देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए ऑप्टिमल सोल्यूशन के लिए। लेकिन यहाँ पर ऑप्टिमल सोल्यूशन ब्रीच हो जाएगा जब हम न्यू वेरिएबल ऐड करेंगे नॉन जीरो कॉस्ट के साथ, तब उस केस में डेल्टा जे की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इम्प्रूव करने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, सी जे माइनस जेड जे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करें, द एडजॉइनिंग फिगर, हमारे पास एक रिंग दे रखी है, इसमें ये बोल दे कॉन्वेक्स है नॉन कॉन्वेक्स है। तो रिंग के अंदर आप सपोज दो पॉइंट ले लीजिए, कोई भी रिंग के अंदर फिजिबल रीजन में जब लाइन ज्वाइन कराएंगे तो बीच में देखिए गैपिंग दिख रही है सर्कल, जिसमें फिजिबल रीजन नहीं है, तो उसके बीच की जो लाइन है वो तो आउट ऑफ द रिंग चली जाएगी, आउट ऑफ द सेट चली गई। तो जो लीनियर कॉम्बिनेशन है यानी कि कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है वो सेट के अंदर ही अगर पूरा का पूरा लाई कर रहा है तब तो कॉन्वेक्स है, अदरवाइज कॉन्वेक्स नहीं होता है। तो ये रिंग कॉन्वेक्स नहीं है, लास्ट प्रीवियस क्लासेस जो मैंने कंडक्ट कराई वहाँ पर भी ये क्वेश्चन कराया था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करें, द ग्राफिकल मेथड ईस्टवुड फॉर सॉल्विंग एलपीपी ऑफ, ग्राफिकल मेथड से मैक्सिमम आप टू वेरिएबल का प्रॉब्लम ही सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि थ्री वेरिएबल थ्री डी प्रॉब्लम हो जाएगी, थ्री डी प्रॉब्लम आप इजीली ग्राफिकल मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर सिंप्लेक्स मेथड का यूज़ किया जाता है। फिर सिंप्लेक्स मेथड में भी आपके पास बिगम मेथड होता है, टू फेस मेथड होता है, ठीक है, सिंप्लेक्स मेथड होता है आपके पास। सिंप्लेक्स मेथड में दो मेथड होते हैं, आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड से आपको सिंपली टू वेरिएबल प्रॉब्लम ही सॉल्व कर पाएंगे, तो क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करेंगे, द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन एन एलपीपी अंडर विच द गिवन फंक्शन इज ऑप्टिमाइज्ड आर कॉल्ड, तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स दिए होते हैं रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, तो उन्हीं के हेल्प से हम यहाँ पर किसी भी प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइज करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड कॉन्स्टेंट ऑफ एलपीपी आर, देखिए अब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है तो सिंपल है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो भी लीनियर होगा, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो भी लीनियर होंगी, यानी कि ऑल लीनियर। क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, ऑन सॉल्विंग द एलपीपी मैक्सिमम जेड इज इक्वल टू 3x1 + 2x2 सच दैट x1 - x2 < 1, x1 + x2 > 3 एंड x1, x2 > 0 बाई ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड से इसका सोल्यूशन क्या आएगा, पहले तो जो रिस्ट्रिक्शंस है इनका ग्राफ प्लॉट कीजिए, दो रिस्ट्रिक्शंस है इक्वलिटी ले लीजिए, लाइन प्लॉट कीजिए, फिर रीजन फिजिबल रीजन ढूंढिए किधर आएगा। आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा, ये इस तरीके से ग्राफ दिखेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो फिजिबल रीजन है आउट ऑफ द ओरिजिन जा रहा है, अवे फ्रॉम ओरिजिन ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि ये अनबाउंडेड सोल्यूशन है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, अनबाउंडेड, यहाँ पे बाउंडेड तो फिगर मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 98, इन द एलपीपी द लीनियर फंक्शन विच इज टू बी ऑप्टिमाइज्ड इट्स कॉल्ड, किसी भी एलपीपी में जिस फंक्शन को ऑप्टिमाइज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। इससे पहले भी क्वेश्चन ये पूछा गया था, यानी कि क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करेंगे, यहाँ पर बेसिक फिजिकल सोल्यूशन की बात की जा रही है, दो इक्वेशंस दे रखी हैं। अब आपको क्या करना है, वैसे तो आप बाई मेथड सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, सिंप्लेक्स मेथड से निकालेंगे, आप क्या कीजिए सिंपली जो भी पॉइंट्स हैं सारी दोनों इक्वेशंस में सेटिस्फाई करें, जो पॉइंट सेटिस्फाई कर जाएगा वही हमारे पास हो जाएगा। अब सपोज दैट आप बोल रहे कि सर यहाँ पे दो पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, फिर क्या करें, तब तो आपको मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन आपका लक अच्छा है, यहाँ पे एक ही पॉइंट यहाँ पर सेटिस्फाई करेगा और वही हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, जो पॉइंट आप सेटिस्फाई करेंगे दोनों इक्वेशन में वो सेटिस्फाई हो जाएगा, तो यहाँ पर 99 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन, इन अ बेसिक फिजिबल सोल्यूशन ऑफ एलपीपी द वेक्टर एसोसिएटेड टू द नॉन जीरो वेरिएबल्स आर, हमारे पास बेसिक फिजिबल सोल्यूशन जो बीएफएस होता है किसी भी एलपीपी का, तो उसमें जो वेक्टर एसोसिएटेड होता है नॉन जीरो वेरिएबल का तो वो कैसा होता है, तो हमारे पास जो वेक्टर होता है हमारे पास हमेशा एलआई वेक्टर होता है, यानी कि लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन नंबर सी सही है। तो ये ऑपरेशन रिसर्च के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 77 तक डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो न्यूमेरिकल एनालिसिस के सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस हैं, तो उनको बिल्कुल लास्ट की वीडियो में हम यहाँ पर कवर कराने की कोशिश करेंगे। आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कमेंट करने लगा था कि सर प्लीज़ नेक्स्ट पार्ट प्रोवाइड कराइए, सारे क्वेश्चंस को एक साथ करा दीजिए, पेपर वन का भी सोल्यूशन करवा दीजिए। तो भाई आप लोग कमेंट मत कीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, धीरे धीरे आपको डेली
ए पार्ट वाइज वीडियो मिल जाएंगी, कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेपर वन को भी सॉल्व कराएंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, यहाँ पर पेपर टू का भी सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, बट पार्ट वाइज चलेगा। ऐसा नहीं कि एक ही वीडियो के अंदर सारे क्वेश्चन डिस्कस कर ले, क्योंकि भाई ये तो पॉसिबल है नहीं। 100 क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस में ज़्यादा भी टाइम लग जाता है एक्सप्लेन करने में, तो वीडियो हमारी 2 से 3 घंटे की भी लंबी हो सकती है, ठीक है। तो उससे बचने के लिए यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट्स में हमने यहाँ पे वीडियो को डिवाइड किया, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए सॉल्यूशंस, और यहाँ पर सारे सॉल्यूशंस कवर भी हो जाए क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये पेपर जैसे ही कंप्लीट होगा, इसके बाद पेपर वन हम डिस्कस करेंगे, पेपर वन के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।